भाई कुछ मैचेस होते हैं जहाँ पे एक पॉइंट के बाद विनर क्लियर हो जाता है कि मतलब अब यहाँ से तो नहीं हार सकते। ये लखनऊ और गुजरात वाला मैच उन्हीं में से एक था। 31 रन चाहिए थे 35 बॉल्स में विद 9 विकेट्स इन हैंड एंड कैप्टन केएल राहुल ऑन द क्रीज। यहाँ से भी गेम को हार जाना आरसीबी से भी बड़ा चोक हो जाता है। आज से एक हफ्ता पहले गुजरात ने रिंकू सिंह से एक ही ओवर में 30 रन खाए थे और एक इम्पॉसिबल विन केकेआर को गिफ्ट कर दी थी। इस मैच में फाइनली जाके उनका वो बदला पूरा हुआ एंड पूरा क्रेडिट मोहित शर्मा को जाता है। सिर्फ 12 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में लखनऊ को जीतने के लिए, मिले सिर्फ 2 और विकेट्स गई 4। 2 मोहित शर्मा ने आउट करे, 2 रन आउट हो गए और टीम हैट्रिक भी हो गई। इससे कहते हैं परफेक्ट रिडेम्पशन। हार्दिक भाई के इस रिएक्शन से पता लग रहा है कि ये जीत आसान नहीं थी और मोहित शर्मा को भी मान गए भाई। पिछले साल नेट बॉलर से इस साल ऑलरेडी 2 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स इन जस्ट 3 गेम्स। ऐसा कमबैक लिखा हो तो डाउनफॉल से क्या ही डरना। वैसे ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन मुंबई और पंजाब के मैच में भी हो गई थी कल रात को, जहां हर्षदीप सिंह ने 16 रन डिफेंड कर लिया और स्टंप्स तोड़ दी भाई। उसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर करा है जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो इस वीडियो को खत्म करके उसको भी देख लेना। अपने कैप्टन और अपनी टीम को ऐसा खेलते हुए देख के गंभीर भाई एक बार फिर से हमें गंभीर ही पाए गए। गंभीर भाई हेलो। वो मैं कह रहा था कि मोहित शर्मा, अरे आपको पहले सीएसके के लिए खेलता था, तो हो सकता है ना कि थाला ने उसको इतना अच्छा ग्रूम किया हो कि वो एक और सुनो भाई, गंभीर भाई एलएसजी 8 रन से हार गई। अरे आपकी टीम हार रही है, आप खुश हो रहे हो? चलो 50 रन से हार गई। अच्छा गंभीर भाई, लखनऊ 7 रन से हार गई। भाई सोचने वाली बात है, लखनऊ ने लास्ट 5 ओवर में 23 रन मारे और 6 विकेट्स गवाई। वहीं पंजाब और मुंबई वाले मैच में पंजाब ने आखिरी 5 ओवर में 4 विकेट्स गवाई और 96 रन मारे थे। तो वाली वीडियो देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ दिनों पहले एक स्टैट आया था, देयर हैव बीन 28 फर्स्ट ओवर मेडन्स इन आईपीएल सिंस 2014 एंड केएल राहुल हैज प्लेड 12 ऑफ देम। ऐसा ही एक फेक स्टैट था जो पिछली वीडियो में मैंने भी यूज किया था, कंफर्म नहीं करा, मानता हूं मेरी गलती है। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि केएल भाई अपने फैंस की हमेशा सुनते हैं और इस स्टैट को भी सच बना के ही रहेंगे। मैं नहीं मान सकता ताकि इतना ज्यादा मुश्किल होता है फर्स्ट ओवर में स्ट्राइक रोटेट करना। इवन इफ पिच ज्यादा मुश्किल है, रीड नहीं कर पा रहे बॉलर को, तब भी 1-2 रन या 4 रन तो बना ही लेता है बंदा। बेसिक सिंगल डबल से बाउंड्री नहीं मारनी है, मत मारो भाई। सोच के देखो, पावर प्ले का टाइम गोल्डन पीरियड होता है, ये 6 ओवर सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर है और तुम उनमें से एक इतनी आसानी से वेस्ट कर दोगे। और देखो बूंद बूंद से ही सागर बनता है, इन्हीं चीजों की वजह से कहीं ना कहीं आगे आने वाले प्लेयर्स पे फिर रन मारने का प्रेशर बनता है। यही 1 ओवर में 4 या 5 रन भी आ गए होते तो ये मैच 7 रन से ना हारे होते। देखो राहुल भाई की इनिंग्स इस बार अच्छी थी, शुरू में 50 मारे ये सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन 131 के स्ट्राइक रेट से मारे वो सरप्राइजिंग था। अब भाई इतना टाइम हो गया है, केएल भाई ऑरेंज कैप के बारे में भी तो सोचेंगे ना। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि 150 के स्ट्राइक रेट से पहले 36 रन बनाए और अगले 32 रन 37 बॉल्स में, स्ट्राइक रेट पूछना भी मत। और तुम लोग सोच रहे हो कि गुजरात की तरफ से मैच विनर सिर्फ मोहित शर्मा थे? नहीं भाई, लॉर्ड विजय शंकर ने 14th ओवर में गुजरात को मैच जिता दिया था। अरे राहुल भाई को ड्रॉप करके विजय भाई कैसे आप बिना कुछ किए हमेशा सिलेक्ट हो, दिल जीत लेते हो हमारा। अब देखो आज के डबल हेडर के लिए तुम गेम्सी पे ये वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो अपनी टीम बना के। मैं भी अपनी टीम्स उतार दूंगा जो कि मैं वीडियो के एंड में दे ही दूंगा। अब तुम्हें अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो तुम ये वाला कोड यूज कर सकते हो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए, और दोनों मैचेस में ज्यादा से ज्यादा टीम बना के डालो ताकि विनिंग चांसेस भी और बढ़ जाए। तो गेम्सी इसीलिए आज तुम्हारे लिए बढ़िया मेगा कॉन्टेस्ट लेके आया है और अच्छे ऑफर्स भी लेके आया है। अब इसी के साथ पैसे डिपॉजिट करने पे भी गेम्सी पे बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। यानी अगर तुम 25 डिपॉजिट करते हो तो तुम्हें सीधा 100 रुपीज मिल सकते हैं एज बोनस। बस तुम्हें पैसे डिपॉजिट करते समय लद्दाख कोड यूज करना है, जिसके साथ तुम्हें बोनस तो मिलेगा ही, साथ ही तुम जीत सकते हो एक फुल्ली पेड ट्रिप टू लद्दाख, जो कि इतनी गर्मी में मैं तो वहां जाना पसंद करूंगा। तो भाई आज के मैचेस की टीम तुम्हें एंड तक मिल जाएगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। गेम्सी पे दोनों मैचेस के लिए ये वाले कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर लेना, और अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से कर लो और साइन अप कर लो। देखो लखनऊ का इस मैच में रीजन हारने का समझना मुश्किल नहीं है, इनका मिडिल ऑर्डर। मैं इस बात पे इनफ स्ट्रेस नहीं कर सकता कि इनका मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है। इनका मिडिल ऑर्डर बना है हुडा, क्रुणाल, पुरान और स्टोइनिस से। अब जहां रन मारना आसान होता है वहां पुरान और स्टोइनिस फिर भी शायद चल जाए, लेकिन मोस्टली डिफिकल्ट मैचेस या इंपॉर्टेंट मैचेस में इनमें से कोई भी परफॉर्म ज्यादा नहीं कर पाता। हाँ आरसीबी की तो देखो किस्मत ही खराब है, हुडा इस सीजन बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है और क्रुणाल को तो हार्दिक भी कभी नंबर 3 पे ना भेजे। फिर भी गंभीर भाई बार बार इन दोनों पे इतना ट्रस्ट दिखा के एक को फिनिशिंग करवा रहे हैं और एक को नंबर 3
3 पे भेज रहे हैं। कभी क्रुणाल फिनिशिंग करेगा, कभी नंबर 3 पे आ जाएगा, कभी हुडा फिनिशिंग करेगा और कभी नंबर 3 पे आ जाएगा। इतना ट्रस्ट कहां से ला रहे हो गंभीर भाई? ऊपर से निकोलस पुरान भी 2-3 मैचेस में रन मार के अपने पुराने फॉर्म में वापस आ ही गया। अगले सीजन में पक्का एकाध हाफ सेंचुरी और मार ही देगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसीलिए मैं बोलूंगा इस वॉलेटाइल और खुद की टीम के लिए डेंजरस मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्विंटन डीकॉक ही दे सकता है। दैट केम आउट रॉन्ग। इनको तो खिला ही रहे हो, लेकिन नंबर 3 पे अब डीकॉक को लेके आना पड़ेगा। इट्स रियली नॉट वर्थ कि तुम इतने बड़े लेवल के प्लेयर को बाहर बिठाओ पूरा सीजन। काइल मेयर्स को पुरान के साथ ये लोग आराम से स्विच कर सकते हैं, लेकिन डीकॉक को या ओपनिंग या फिर नंबर 3 वाला स्लॉट देना पड़ेगा। मेरे से पूछोगे तो मेयर्स और राहुल को ओपनिंग करने दो और डीकॉक को नंबर 3 पे आने दो। लास्ट ईयर भी एविन लुइस ने ही आके इनका नंबर 3 स्पॉट संभाला था, तभी जाके मुझे लग रहा है कि इनकी टीम में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी बैटिंग में। और प्लीज, दीपक हुडा से फिनिशिंग इंडिया के मैचेस में भी नहीं हुई थी, तो यहां पे भी नहीं होने वाली। उसी के साथ इस मैच की मुझे कैप्टेंसी भी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल लगी केएल राहुल की, क्योंकि जब हार्दिक भाई बैटिंग कर रहे थे तो किसी भी बॉलर को स्ट्राइक नहीं कर रहे सिवाय बिश्नोई के। और एंड में डेथ ओवर्स के लिए बिश्नोई को वापस लेके आना अमित मिश्रा और आवेश खान के होते हुए एक ऐसा डिसीजन था जिसने पूरा डिफरेंस बना दिया गेम में। खैर देखो, सिंपल सी बात है कि केएल राहुल यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, एंड इट्स हाई टाइम कि अब उनको टीम के हिसाब से फास्ट ग्रेड खेलना ही पड़ेगा। वैसे स्पेशल मेंशन टू नवीन उलहक, जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी इस टीम के लिए। वुड का रिप्लेसमेंट आया और बॉलिंग भी वैसी कर रहा है। देखो, मोहित शर्मा ब्रिलियंट तो था, लेकिन आज दिन था कैप्टन हार्दिक पांड्या का। स्लो खेला भाई ने, लेकिन फुल ऑन कैप्टन्स नॉक। आखिरी 25 रन 7 बॉलों में आए थे, जो कि पूरा डिफरेंस बना के गए इस मैच में। और काफी टाइम बाद अपने को हार्ड हिटर पांड्या देखने को मिला। अब अगर हार्दिक भाई भी बैट से ऐसे ही कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो इनके भी मिडिल ऑर्डर वरीज सॉल्व हो जाएंगे, जो कि एलएसजी जितने बड़े नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स है इनके पास। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट इनिंग में अगर इनको बैटिंग करा दो तो ये बहुत ही क्लूलेस लगते हैं। किसी हद तक ये थ्योरी इस मैच में भी अप्लाई होती है, क्योंकि टोटल उतना अच्छा तो था ही नहीं, और वैसे ही ये टीम जस्ट हारते हारते रहेगी। अब इस प्रॉब्लम का फिक्स क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हर बार सामने लखनऊ जैसी टीम नहीं होने वाली। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस केकेआर, जहां पे केकेआर को बहुत जरूरत है अपना फॉर्म वापस ढूंढने की, क्योंकि 3 मैच लगातार हार लिए है। सीएसके का ड्रीम रन तो कंटिन्यू हो ही रहा है, माही भाई भी अच्छे फॉर्म में है, जड्डू भी विकेट्स ले रहा था, लेकिन इस मैच में दोनों टीम्स का स्पिन वर्सेस स्पिन देखने में बहुत मजा आएगा। खैर, मेरी गेम्स पे टीम ये होने वाली है, बाकी अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो मैं शाम को टेलीग्राम पे बता ही दूंगा। देखो, कैप्टन मैं वेंकटेश अय्यर को दे रहा हूं, और जिनको पता है वो वाइस कैप्टन के सजेशंस कमेंट्स में डाल देना। और तुम लोग मेरे इतने पीछे क्यों पड़ जाते हो भाई? मैंने प्रेडिक्शन करी मुंबई मैच जीतेगी, मुंबई मैच हार गई, और मैंने सेम वीडियो में प्रेडिक्शन करी थी कि गुजरात मैच जीतेगी, तो जीती भी गुजरात ही। तो भाई, ऐसा थोड़ी है कि एकदम मेरे बोलने से हमेशा कुछ हो रहा है, कभी-कभी कोइंसिडेंस की बात हो जाती है। हां, गेम्स ही पे कैप्टन वाइस कैप्टन में तो मैं भी मानता हूं कि भाई इफेक्ट पड़ता है ये, लेकिन ये वाली प्रेडिक्शन तो बहुत कॉमन है भाई। 50-50% चांस है कि या तो तुम राइट होगे या मैं राइट होऊंगा। बाकी जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि मेरे बोलने से कितना ही फर्क पड़ जाएगा। But when does this get good? राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए।